वेलकम टू माय चैनल रतन कुंवर। आज हम फ्रेंड्स बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं। आज हम मुकवास बनाएंगे। जो लोग पान खाने के शौकीन हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, तो ये जरूर ट्राई करें। इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है और इसे आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप होली पे, दिवाली पे, कोई भी ओकेशन पे या फिर आप नॉर्मल डेज पे भी ये बना के जो है रख सकते हैं। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल जरूर दबाइए, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल में बहुत सी रेसिपी डाली है, तो ये स्पेशल है। कुछ मीठा खट्टा खाने के बाद में स्पेशल मुकवास जरूर बनाएं। इस पान के मुकवास में मैंने फ्रेंड्स कत्ता, चूना कुछ भी नहीं यूज किया है। वो पसंद है तो आप कत्ता, चूना अपने हिसाब से, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। पान मुकवास बनाने के लिए सामग्री देख लेंगे। तो मुकवास फ्रेंड्स अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, बट मैं जैसे बताती हूँ उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये पान के पत्ते ले लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 पत्ते ले लिए हैं। पान के पत्ते आपको पान की दुकान पे बहुत ही आसान से मिल जाएंगे। और ये यहाँ पे मैंने कुछ सिल्वर बाउल्स लिए हैं, और ये मैंने कुछ कलर वाले बाउल लिए हैं, ये गुलकंद है, और ये मैंने यहाँ पे सौंफ ली है, ये धनिया दाल ली है, और ये सुपारी है, और मैंने यहाँ पे कुछ टूटी फूटी इस्तेमाल की है। पान के पत्तों पे लगाने के लिए हम थोड़ा सा शहद का इस्तेमाल करेंगे। एक पान का पत्ता ले लेंगे और इस तरह से हम जो है शहद में डिप करके इसके ऊपर इस तरह से शहद से इसे अच्छे से कोट कर देंगे। वापस हम पत्ता इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से हम इसे वापस लगा लेंगे। अब देख सकते हैं सेम प्रोसीजर। ये मैंने पान के पत्ते जो हैं पान की दुकान से लाए हैं, तो उसने मेरे को पहले से ही डंटल जो है निकाल के दे दिया है। तो इस तरह से इसमें मेजरमेंट का कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स, आप जिस टाइप से बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम इसमें जो है सब अपने हिसाब से ऐड करेंगे। अगर आपको टूटी फ्रूटी ज्यादा पसंद है तो आप टूटी फ्रूटी ज्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सुपारी ज्यादा पसंद है तो सुपारी ऐड कीजिए। अगर आपको सौंफ ज्यादा पसंद है तो सौंफ ऐड कीजिए। तो इस हिसाब से आपको जो चीज ज्यादा पसंद है उस हिसाब से आप जो है ऐड कर सकते हैं। हमें कोई भी गेस्ट आते हैं तो खाना खाने के बाद में आप ये मुकवास आप उन्हें दे सकते हैं। पत्तों को जो है अच्छे से शहद से कोट कर लिया है, तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे एकदम बारीक से काट देंगे। ज्यादा मोटे हमें नहीं रखने हैं, छोटे छोटे ही रखेंगे हम। फिर इस तरह से बीच में कट लगा लेंगे। यहाँ पे कलकत्ता पान लिए हैं, आपको जो पान आसान से अवेलेबल हो तो आप वो पान के पत्ते जो है ले सकते हैं। गुलकंद भी बहुत ही ज्यादा सेहत के लिए ठंडक प्रदान करता है, सौंफ है वो भी बहुत ही ज्यादा ठंडक प्रदान करती है। तो ये मैंने यहाँ पे सौंफ ऐड कर दी, धना दाल ऐड कर दी, सुपारी, डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, ये टूटी फ्रूटी है, और ये गुलकंद है। तो इसमें हम गुलकंद डालेंगे तो इसकी अच्छे से बैंडिंग हो जाएगी। बॉल बना के रैप करके भी चॉकलेट के जैसे रख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम पहले इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम ये कलर वाली बॉल भी डाल देंगे और ये सिल्वर बॉल्स भी डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर, और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये होममेड पान मुकवास बनके तैयार हो चुका है। तो मेरा वीडियो जो है फ्रेंड्स एंड तक देखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी।